Hello dear students, I am Shahjad Khan from Tagore School, Parbassar, and I heartily welcome you on online classes of first class. Namaskar priya vidyarthiyo, main kaksha first ki online classes mein aapka hardik swagat karta hoon. We solve the first and second question of exercise 2A in chapter 1 in our previous video. Chapter 2nd in our previous video. हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा फर्स्ट के अध्याय 2 के जो एक्सरसाइज है 2A उसमें क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है वो सॉल्व किया था, हल किया था. तो एक बार हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था उसका रिवीजन करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर्स. काउंट यानी गिने, सर्कल यानी घेरा करना है द करेक्ट नंबर यानी सही संख्या पर. तो सही संख्या पर हमें जो है गिनना है, पहले काउंट करना है जो पिक्चर दे रखी है, फिर हमें जो घेरा करना था, सर्कल करना था इस पे. तो हम देखते हैं, तो सर्कल करने के लिए फर्स्ट जो पिक्चर दिख रही है आपको, फर्स्ट इसमें टू राइनो दे रखे हैं, तो इसमें पहले हमें काउंट करना है. और इधर यहाँ पर थ्री नंबर्स हैं अपने पास, 1, 2, 3 नंबर्स है. तो करेक्ट नंबर पर हमें सर्कल करना था, तो काउंट किया हमने 1, 2. सो यहाँ पर हमने देखा टू राइनो है, तो टू राइनो है तो हमने 2 पर सर्कल किया. फिर इसी तरह यहाँ पर हॉर्स है, हमने काउंट करेंगे हाउ मैनी हॉर्स आर हियर, यहाँ पर कितने घोड़े हैं, या तो यहाँ पर 1 है ओनली, तो 1 पे हम सर्कल करेंगे. फिर फुटबॉल है जो बॉल दे रखी है उसमें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. 5 फुटबॉल है यहाँ पर, तो 5 पे हमने सर्कल किया. फिर जो गर्ल्स दे रखी है काउंट करेंगे गर्ल्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 गर्ल्स है यहाँ पर, तो 6 गर्ल्स है तो 6 पर हम जो है सर्कल करेंगे. 8, 9 एंड 6 दे रखा है, 6 गर्ल्स है तो 6 पर घेरा किया हमने. फिर नेक्स्ट जो टॉप्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो टॉप्स में हम देखेंगे काउंट करेंगे टॉप्स कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 टॉप्स है, सो देर आर 8 टॉप हियर. यहाँ पर 8 टॉप्स है, 8 लट्टू दिए, तो 8 पर यहाँ पर 2 है, 3 है, 8 है, तो 8 टॉप्स है हमने काउंट किया, तो 8 पर हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट जो फ्लावर दे रखे हैं नेक्स्ट पिक्चर में, तो फ्लावर्स है उनको भी काउंट करेंगे हम. 1, 2, 3 फ्लावर है, तो 3 फ्लावर है तो हम 3 पर सर्कल करेंगे. इसी प्रकार जो 3 नंबर दे रखे हैं उसमें जो करेक्ट नंबर है 3, तो काउंट करें यहाँ 1, 2, 3, तो 3 है तो 3 पे हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट जो बोतल दे रखी है यहाँ पर आपको, जो उनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 है तो 7 पे हम सर्कल करेंगे. तो इस प्रकार हमने अपना जो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें हमें जो करेक्ट नंबर थे उन पर हमने सर्कल किया. पहले काउंट किया था, पहले गिने थे पिक्चर में कि कितने जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, वस्तुएं दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, इसमें क्वेश्चन सेकंड था कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट यानी पूरा करें, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, तो निम्नलिखित को पूरा करना था हमें. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्स्ट जो बॉक्स है छोटा बॉक्स दे रखा है, स्मॉल बॉक्स है, उसमें हमें नंबर राइट करने हैं. और सेकंड जो लॉन्ग बॉक्स है, लंबा जो बॉक्स दे रखा है, इसमें हमें स्पेलिंग राइट करनी थी. तो छोटे वाले में नंबर्स और बड़े वाले में स्पेलिंग राइट करनी थी. तो कहीं कहीं पर नंबर्स यहाँ पर मिसिंग थे और कहीं पर जो स्पेलिंग मिसिंग थी. तो यहाँ हमें 1 राइट किया हुआ था, तो हम इसमें जो है स्पेलिंग लिखेंगे 1 की, ओ एन ई 1. 1 मीन्स 1, तो 1 मीन्स 1, तो 1 की स्पेलिंग हमें यहाँ 1 लिखनी है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी थी टी डब्ल्यू ओ 2. 2 मीन्स होते हैं 2, तो 2 हमने यहाँ राइट किए हैं बॉक्स में. फिर यहाँ 3 राइट किए हुए थे, लिखे हुए थे, तो 3 के सामने इसकी स्पेलिंग हमने राइट की थी टी एच आर डबल ई 3. 3 मीन्स 3. तो इस प्रकार हमें इनको जो है 1 to 9 तक काउंटिंग हमें कंप्लीट आनी चाहिए. फर्स्ट क्लास के बच्चों के जो एक्सरसाइज दे रखी चैप्टर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग हमें 1 to 9 तक काउंटिंग और उसकी स्पेलिंग हमें अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. फिर हमने यहाँ देखा जो स्पेलिंग लिखी है एफ ओ यू आर 4, तो हमने यहाँ पर 4 है वो नंबर्स में राइट किया. फिर नेक्स्ट 5 यहाँ राइट किए, तो 5 की स्पेलिंग हम राइट करेंगे एफ आई वी ई 5.
फाइव मीन्स पाँच। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ सिक्स की स्पेलिंग दे रखी है एस आई एक्स सिक्स, सिक्स मीन्स छः। इसी प्रकार सेवन यहाँ राइट किया हुआ था नंबर, तो इसकी स्पेलिंग हमने राइट की एस ई वी ई एन सेवन, सेवन मीन्स सात। नेक्स्ट ई आई जी एच टी एट, एट मीन्स आठ। तो नाइन है तो नाइन की स्पेलिंग हम राइट करेंगे एन आई एन ई नाइन। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन है सेकंड इसका वो जो है बुक्स में फिल किया, और बुक्स में फिल करने के बाद हमें अपनी जो नोटबुक्स है उसमें भी इसको कंप्लीट करना था। तो बुक्स में कंप्लीट किया हमने, तो फर्स्ट क्लास में जो है अपने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज टू ए राइट लिखे हम ऊपर की ओर एक्सरसाइज टू ए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केवल बुक्स में फिल करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक्सरसाइज टू ए का वो हमें बुक्स में भी करना था। तो इस तरह बॉक्स बनाने हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छी तरह आपको समझाया कि किस प्रकार बॉक्स बनाने हैं, किस प्रकार हमें इसको राइट करना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आए एंड जो आगे के जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो, नेक्स्ट जो हम लिखें वर्ड्स वो स्मॉल होने चाहिए। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सभी स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो नीचे की लाइन दे रखी है बॉक्स उस लाइन के ऊपर हमें राइट करना है नंबर्स को भी, और जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं स्पेलिंग लिख रहे हैं वो लाइन के टच होके लिखनी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के स्मॉल हमें राइट करने हैं। तो इस प्रकार जो अपनी नोटबुक्स में वन टू थ्री फोर जो नंबर्स और उसकी स्पेलिंग है वो कम्प्लीट हमको अपनी नोटबुक्स में कम्प्लीट करना है। आज हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग का, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग का जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो रीड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। तो फॉरवर्ड मीन्स होता है अपने आगे की, एंड बैकवर्ड होता है पीछे की, काउंटिंग यानी गिनती, आगे और पीछे की गिनती। तो आगे और पीछे की गिनती हमें इसमें आनी चाहिए ओनली वन टू नाइन तक, यानी एक से नौ तक की जो हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग हमें आनी चाहिए। यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम काउंटिंग सीखेंगे वन टू नाइन तक की, तो इसमें एक्सरसाइज टू भी है वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग। सो फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स होता है पीछे की गिनती, सॉरी आगे की गिनती। तो फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स आगे की गिनती, यानी आगे की संख्या लिखना। तो लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो, लुक यानी देखें, नंबर्स यानी संख्याएं, गिवन यानी दी गई, बिलो यानी नीचे। तो नीचे दी गई नंबरों को देखें या नीचे दी गई संख्याओं को देखें। तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर्स दिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो ये जो नंबर्स है ये हम फॉरवर्ड काउंटिंग में देख रहे हैं, क्योंकि आगे की जो है काउंटिंग लिखी हुई है, वन के बाद टू आता है, टू के आफ्टर देन थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन। सो वन टू नाइन तक ये जो फॉरवर्ड काउंटिंग है कि वन से जो बिग है वो टू होगा, टू से बिग थ्री, थ्री से बिग फोर, फोर से बिग फाइव, फाइव से बिग सिक्स। तो ये इस प्रकार फॉरवर्ड काउंटिंग है अपनी चलती रहेगी। तो ये है फॉरवर्ड काउंटिंग अपने वन टू नाइन तक। नेक्स्ट अबव गिवन सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर शो फॉरवर्ड काउंटिंग। सो फॉरवर्ड काउंटिंग जो है तो अबव यानी जो आगे की है दी गई, गिवन यानी दी गई, सीक्वेंस यानी जो क्रम होता है इनका क्रम के अकॉर्डिंग, ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई, नंबर्स यानी संख्याएं, शो यानी दिखाई गई है, फॉरवर्ड काउंटिंग यानी आगे की गिनती में। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ती संख्या के ऊपर दिए गए क्रम से गिनती आगे दिखाई देती है, तो ये आगे की गिनती दिखाई देती है यानी बढ़ते क्रम में ये दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है अपने फॉरवर्ड काउंटिंग हो गया यानी उसके आगे की गिनती दिखाई देती है, लेकिन बैकवर्ड जो काउंटिंग होती है यानी पीछे की गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग में जो दे रखा है अपने, सो लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो, लुक यानी देखें, नंबर्स यानी संख्याएं, गिवन यानी दी गई, बिलो यानी नीचे, नीचे दी गई संख्याएं देखें। तो नीचे दिए गए नंबरों को देखें, तो देखते हैं हम अब इसमें देखिए, पहले फॉरवर्ड काउंटिंग थी वन टू नाइन तक थी, अब नाइन टू वन है,
ये फॉरवर्ड यानी जो पीछे की गिनती दिखाई दे रही, उल्टी गिनती भी कह सकते हैं इसको, उल्टी गिनती भी। सो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो पहले आता है, उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। तो इस प्रकार है जो बैकवर्ड काउंटिंग चलती है। तो अबाउ गिवन सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर शो बैकवर्ड काउंटिंग। अबाउ यानी जो आगे की दी गई, गिवन यानी दी गई, सीक्वेंस यानी क्रम, ऑफ यानी का, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ, नंबर यानी संख्या, शो यानी दिखाई देता है, बैकवर्ड काउंटिंग यानी कि पीछे की गिनती। तो हम कह सकते हैं कि जो बढ़ती घटती संख्याओं के ऊपर दिए गए क्रम में पीछे गिनती दिखाई देती है, तो पीछे गिनती दिखाई देती है, ये घटते क्रम में दिखाई दे रही है अपने, तो पीछे की ओर शो करती है बैकवर्ड काउंटिंग को, जो दी गई नंबर है वो बैकवर्ड काउंटिंग के क्रम को शो करती है, दिखाती है, घटते क्रम में दिखाती है। तो इससे जो रिलेटेड है, हमें जो फर्स्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए, कि 1 के आफ्टर 2 है, 2 के आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4, 4 के आफ्टर 5। तो इस प्रकार जो है हमें ये पता होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग, और बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग इस प्रकार हम जो सीक्वेंस है अपनी वो चलेगी। तो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, तो एक्सरसाइज 2 भी है यानी अभ्यास 2 भी है। इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो हमें बुक्स में तो फिल करना ही है, इसके साथ साथ हमें नोटबुक्स में भी फिल करना है। तो काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर, काउंट यानी गिने, फॉरवर्ड यानी आगे की, एंड राइट, राइट यानी लिखे, मिसिंग नंबर यानी लापता अंक या छूटे हुई संख्याएं। तो हम कह सकते हैं आगे की गिनती करें और लापता संख्याएं लिखें। तो हमें इसमें जो है जो नोटबुक्स है अपनी, तो नोटबुक्स में हमें इसको करना है। तो नोटबुक्स में करने के लिए हम पहले इसमें ऊपर की ओर जो है एक्सरसाइज है अपनी 2B, एक्सरसाइज 2B है वो राइट करेंगे। तो यहाँ ऊपर की ओर एक जो है कॉल, एक लाइन छोड़नी है, एक्सरसाइज 2B यहाँ राइट करें। फिर इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसे हमें राइट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2B का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन फर्स्ट है काउंट फॉरवर्ड, काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द, राइट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। सो मिसिंग नंबर हमें यहाँ पर जो है राइट करना है। सो मिसिंग नंबर राइट करने के लिए इसमें हमें जिस प्रकार इसके अंदर फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो हमें राइट करनी है, तो इसमें हमें जो सर्किल बने 1 2 3 4 5 6 सिक्स सर्किल है वो हमें इसमें बनाने हैं। तो सिक्स सर्किल बनाएंगे हम, सो 1 2 3 4 5 and 6। तो सिक्स सर्किल हम इसमें बनाएंगे जिस प्रकार इसमें बने हुए हैं अपने। तो हम जो लेफ्ट साइड को हल कर रहे हैं फिर राइट साइड वालों को हल करेंगे। सो लेफ्ट साइड वालों को लिखेंगे, तो हमने देखिए सर्कल जो ड्रॉ किया है, फिर एक कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ा है, फिर एक में, फिर एक कॉलम ब्लैंक, फिर सर्कल बनाया, फिर एक कॉलम ब्लैंक, इसी प्रकार आपको भी इसमें करना है। तो फर्स्ट जो लिखा, फर्स्ट जो सर्कल उसमें 2 राइट किया हुआ है, तो हम इसमें 2 राइट करेंगे, 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो ब्लैंक छोड़ा, फिर 4 राइट किया हुआ है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर 4 हम इसमें राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है सर्कल ब्लैंक है, फिर 6 राइट किया हुआ है, तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, 6 राइट करेंगे। तो ये जो है फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए है, फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए कहा गया है।
तो फॉरवर्ड काउंटिंग हमने अभी देखा था कि फॉरवर्ड काउंटिंग किस प्रकार राइट की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए जो है लिखते हैं 1 to 9 तक नंबर। तो 1 to 9 तक हमने देखा कि जो फर्स्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग 1, आफ्टर 1 2 राइट करते हैं, आफ्टर 2 3 राइट करते हैं, आफ्टर 3 4, आफ्टर 4 5, आफ्टर 5 6, आफ्टर 6 7, आफ्टर 7 8, आफ्टर 7 8 9। तो इस प्रकार हम जो है नंबर्स को राइट करते हैं। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में हमें फिल करने के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट है जो 2 है राइट किया हुआ है, तो आफ्टर 2 हम जो है ब्लैंक्स है उसमें फिल करेंगे 3। तो 3 राइट किया, यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 3 के आफ्टर 4 है तो 3 के आफ्टर 4, आफ्टर 4 वी राइट 5, तो 5 राइट हियर, तो 5 यहाँ पे राइट करेंगे, फिर 6 है, 6 के आफ्टर हम यहाँ 7 राइट करेंगे। सो इस प्रकार जो है हमने पहला जो है सीक्वेंस है इसका वो कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट जो है इसके नीचे ये, तो हम जो नेक्स्ट है वो इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे 1, और इसमें देखते हैं कितने हैं, 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 6 है सर्कल वो ड्रॉ करेंगे 2 3 4 5 and 6, तो 6 है। अब जो नंबर्स दिया हुआ है इसमें देखिए 0 राइट किया, फिर 2 ब्लैंक छोड़े, फिर 3 है, तो हम भी इसी तरह करेंगे, यहाँ 0 है, फिर 2 ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 3 है, तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट किया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 है, आफ्टर 0 हम 1 राइट करते हैं, तो 1 यहाँ पर राइट करेंगे, 1 राइट करेंगे, फिर आफ्टर 1 2 है तो आफ्टर 1 2 राइट करेंगे, फिर 3 दे रखा है, आफ्टर 3 4 and 5, तो 4 यहाँ फिल करेंगे और फिर 5 यहाँ पर हम राइट करेंगे। तो इस प्रकार जो नंबर्स हैं हम सीक्वेंस से राइट कर सकते हैं। बुक्स में हमें पेंसिल से वर्क करना, फिर आगे जो हम सर्कल बनाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6, जो है बॉक्स के अंदर सर्कल बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो है अपना इसमें जो नेक्स्ट दे रखा है उसको देखते हैं, 4 है, फिर 2 ब्लैंक है, फिर 7 है, तो फिर पहले हम यहाँ पर 4 राइट करेंगे, फिर 2 ब्लैंक है, फिर 7 राइट करेंगे, तो देखिए आप 4 के आफ्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 है, तो 5 राइट करेंगे, आफ्टर 5 6, और आफ्टर 6 7, और आफ्टर 7 जो है 8 and 9, तो 8 यहाँ फिल करना है और 9 यहाँ फिल करना है आपको। तो इस प्रकार हम फॉरवर्ड काउंटिंग है वो हम इस प्रकार यहाँ से हम देखकर फॉरवर्ड काउंटिंग बुक्स में भी दे रखी है कि 4 के आफ्टर क्या आएगा, 6 के आफ्टर क्या आएगा, उस प्रकार हम जो है सीक्वेंस से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट है 3 और फिर 1 कॉलम, फिर 5 राइट किया हुआ है, तो हम ड्रॉ करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 and 6, सो 3 है यहाँ पर राइट करेंगे 3, फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है 1 कॉलम, फिर 5 राइट किया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं आफ्टर 3 4 है, तो आफ्टर 3 4 राइट करेंगे, आफ्टर 5 6 तो 6 राइट करेंगे, आफ्टर 6 7 एंड आफ्टर 7 8, तो इस प्रकार जो है हम नंबर्स को फिल करेंगे। तो एक्सरसाइज 2B है अपना, उसके अंदर 2B के अंदर जो हमने अभी तक जो बुक्स में जो देख सकते हैं हम ये लेफ्ट साइड का जो कंप्लीट किया है अपने नोटबुक्स में, तो इस प्रकार आपको केवल लेफ्ट साइड का है वो कंप्लीट करना है, फिर हम जो है राइट साइड का कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ जो है स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करें, आप एक लाइन खींच लें स्केल की सहायता से इस प्रकार, और फिर नेक्स्ट जो है राइट साइड का जो अपने दे रखा है राइट साइड का, इसमें देखेंगे फर्स्ट में 1 2 3 4 सर्किल है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 2 3 and 4 सर्कल दे रखे हैं, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 सर्कल है, सो 1
टू थ्री फोर एंड फाइव सर्कल। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है उसमें देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सर्कल दे रखे हैं। सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और नेक्स्ट में भी सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और फिर जो नंबर्स है इसमें राइट करेंगे, फर्स्ट में सिक्स राइट है सो सिक्स राइट करेंगे, नेक्स्ट में फाइव एंड सेवन है सो फाइव एंड सेवन है हम राइट करेंगे, नेक्स्ट में वन और फोर है सो वन और फोर राइट करेंगे, नेक्स्ट है जो जीरो और फोर है तो फोर राइट करेंगे। और बाकी का जो आपको इसको फिल करना अपनी नोटबुक्स में, जो एक्सरसाइज टू बी है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो किस प्रकार आपको करना है, जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड से मैंने कंप्लीट की राइट साइड को आपको कंप्लीट करना है।